श्री मोदी जी और अमित शाह जी मेरी बात पर ध्यान दें। गोवंश की हत्या आप दोनों के शासनकाल में निरस्त हो जाए, आगे भी भारत की सीमा में कहीं गोवंश की हत्या ना हो, भारत का गोवंश कहीं अन्यत्र जाकर भी उत्पीड़ित ना हो, ऐसा मार्ग प्रशस्त करके अपना उज्ज्वल इतिहास बनाइए। गो भक्तों को गुंडा कहना छोड़िए, सुप्रीम कोर्ट से भी गो भक्तों के लिए गुंडे शब्द का प्रयोग करवाना छोड़िए। उज्ज्वल इतिहास की संरचना के लिए भारत की धरती पर कहीं गोवंश की हत्या ना हो, भारत का गोवंश कहीं अन्यत्र जाकर भी उत्पीड़ित ना हो, इसका मार्ग प्रशस्त कीजिए। सत्ता आती है जाती है, सत्ता बनी रहे इसका प्रयास न करके दायित्व का निर्वाह करते रहिए। सत्ता आपके हाथ में रहे या न रहे, उज्ज्वल कीर्ति तो हो जाएगी। इसलिए भारत के लिए जो कलंक है गोवंश की हत्या, इसको दूर करने का प्रयास करना चाहिए। एक बार मेरे मन में आया कि मैं भारत छोड़ के नेपाल में रहूं, सोचा कि सनातन परंपरा से भारत नहीं शरीर प्रकट हुआ है, उत्पन्न हुआ है, नेपाल में क्यों जाऊँ, तो वो हत्या नहीं होती। इसलिए फिर हुआ कि भारत में बने रहोगे तो आज न सही कल गोहत्या का काला कलंक मिटेगा, रणछोड़ मत बनो, भारत में रहो। मेरी भावना है, वेदना पूर्वक मैं यह कह रहा हूँ, गोवंश की हत्या भारत के लिए बहुत कलंक है, मानवता की दृष्टि से कलंक है, भारत के उत्कर्ष में अत्यंत घातक है। इसलिए गोवंश की हत्या पर बिल्कुल निरस्त होनी चाहिए। कृषि आदि को उस ढंग से उद्भाषित करें कि गोवंश की उपयोगिता ठीक ढंग से हो सके। नारायण।